आने वाले कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस ने सम्मानित किया। इस दौरान पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, सांसद रघु शर्मा, कर्ण सिंह और विधायक विवेक धाकड़ मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। आज हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, डूडी साहब मौजूद हैं, तमाम नेता भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अलवर में, अजमेर में, मानलगढ़ में, गांव, पंचायत, ब्लॉक, ढाणी, वार्ड में सरकार को चुनौती देते हुए जाबाज तरीके से पार्टी का मोर्चा संभाला, उन सब लोगों को आज हमने धन्यवाद दिया है और उनको आभार प्रकट उनका किया है। पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, जो अजमेर, अलवर, मंडलगढ़ जो बाई इलेक्शन में लगे हुए थे, उन सब कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट जी ने सबको बुलाया धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी कार्यकर्ताओं को कि जिस तरीके से चुनाव के अंदर इन बाई इलेक्शन में हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक मजबूत और सशक्त तरीके से उस बूथ पे खड़ा था और बूथ पे कंप्लीट अपना काम करके हर बूथ पे जो कांग्रेस को जिताने की उन्होंने भरसक प्रयास किया, उस प्रयास में वो सफल हुए। मैं माननीय अध्यक्ष जी का आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने सभी कार्यकर्ताओं को तीनों क्षेत्रों से जहां से कांग्रेस पार्टी जीती है उनको बुलाया है। हजारों की संख्या में साथी कार्यकर्ता आए हैं और उनके साथ एक एक से मिलकर उनका एक मनोबल बढ़ा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। राजस्थान के जो कांग्रेस के 2500 कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी माननीय सचिन पायलट साहब ने लगभग 2 महीने से हर पंचायत में, हर गांव में, जहां भी उपचुनाव थे वहां तैनात किया हुआ था और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। पूरे चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में हमने देखा हर गांव में ये लोग मौजूद रहे और बिना किसी सुविधा के, साधन के, जो पार्टी के लिए इन लोगों ने मेहनत की है, ये प्रदेश कांग्रेस की एक कामयाब रणनीति साबित हुई। माननीय अध्यक्ष जी का कि जिन्होंने प्रदेश के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस पार्टी की जीत में अपना सर्वस्व योगदान दिया उनको आज धन्यवाद के लिए और चाय पर यहाँ बुलाया। जो कार्यकर्ता हमारे डाउन ग्राउंड पे काम कर रहे थे उन लोगों का स्वागत और सम्मान और उन लोगों को एक रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया गया, उन लोगों को एक इस परिवार में जो उनकी हिस्सेदारी थी, जो उन्होंने मेहनत करी थी, उसका एक सम्मान और स्वागत यहाँ करा गया।